गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर है कूलाम के नियम का सरलीकरण। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया कि कूलाम नियम क्या है, उसके कितने कंडीशन होते हैं। तो आज हमको पढ़ना क्या है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कूलाम्स का जो नियम है उसका वेक्टर रूप में सदिश रूप में क्या इक्वेशन होता है। बोर्ड का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन लेवल में तो कम पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आइए चर्चा करते हैं कि कूलाम्स के नियम का सदिश। तो थोड़ा सा पहले हम प्रीवियस में चलते हैं, कूलाम्स का नियम क्या थोड़ा सा नया कर लेते हैं। कूलाम्स का नियम क्या था कि जो आवेश होता था कुछ भी ले सकते हैं प्लस माइनस, मान लीजिए क्यूबन क्यूबू तो आवेश था, इसके बीच की सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस थी आर था। अब हमको पता है कि अगर सजातीय आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे, और अगर विजातीय है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, आकर्षित कर रहे थे। यहां से दोनों पे समान आवेश था तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे को दूर भगा दे रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। इस पर लगने वाला बल को हमने माना एफ वन पर, इस पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल वेक्टर एफ वन। इस आवेश पर इसके कारण लगने वाला जो बल है उसको हम कहेंगे एफ टू वन वेक्टर। यहां से आपका जो निकल के फार्मूला आया था एफ इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन। कि भाई उस पे लगने वाला चाहे वो आकर्षण बल है चाहे प्रतिकर्षण बल होगा, तो डिपेंड करता है कि चार्ज पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव आवेश है कि निगेटिव आवेश है, उस पर डिपेंड करता है। उस पे लगने वाला जो बल होता था वो कितना होता था, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। ये तो कूलाम्स का नियम था, और इसी को हम सदिश रूप में पढ़ेंगे कि इसका सदिश रूप क्या होता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि कूलाम्स के नियम का सदिश रूप क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, एक का नाम हमने रखा प्लस क्यू वन, इसका नाम हमने रखा भैया प्लस क्यू टू। माइनस प्लस से आप डिस्टर्ब न होइएगा, आपके ऊपर आप कुछ भी ले सकते हो। इसके सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस है उसको माडा फॉर्म कह रहे हैं, मापांक इसका मॉडुलस लिया जा रहा है। अब मान लीजिए इसकी जो स्थित वेक्टर है किसी बिंदु के सापेक्ष इसका जो स्थित सदिश होगा वो कितना होगा इसके कारण इसका, तो वो हो जाएगा आपका आर टू माइनस आर वन। बात आ रही समझ में, आर टू माइनस आर वन क्यों किया गया, क्योंकि अगर किसी बिंदु के सापेक्ष हम स्थित वेक्टर निकालते हैं, इलेवेंथ में आपको पढ़ा गया होगा फाइनल में से इनिशियल वाला माइनस कर देते, तो इसका डायरेक्शन इस इधर की तरफ होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा इसका जो स्थित सदिश होगा इस डायरेक्शन में होगा, फाइनल आपका हुआ आर वन माइनस क्या हो जाएगा आर टू हो जाएगा। अब हम कहें कि इसके कारण इस पर लगने वाला बल कितना है, तो इस आवेश के दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला जो बल है उसको हम कहेंगे एफ वन टू वेक्टर। यहां से ये जो आवेश इस पर लगने वाला बल एफ टू वन, अच्छा हम कहे सेंटर से सेंटर पे ही रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि कूलाम्स का जो नियम था वो पहले ही बता चुका था कि जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं चार्ज या आवेशित करते हैं वो क्या होगा, लाइनिंग लाइनिंग आदि सेंटर आर गिवन चार्ज। इस दिए गए आवेश के सेंटर मतलब उसके केंद्रों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश ही वे एक दूसरे से रिपेल। तो यहां से अगर हम यह वन टू का मान निकालें कि इस पहले आवेश पर दूसरे के कारण कितना बल बात आ रही है, दोबारा हम चर्चा करते हैं कि माना मेरे पास दो आवेश है क्यू वन क्यू टू, कैसे है धनात्मक है तो जाहिर सी बात है बल कैसा होगा आपका, प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मॉड ऑफ आर, मॉडुलस लिया गया है। स्थित वेक्टर क्या होगा, क्यू वन के सापेक्ष क्यू टू का, तो आर टू माइनस आर वन फाइनल में से इनिशियल वाला माइनस करते हैं।
डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। अगर हम इसका डायरेक्शन निकालते हैं तो हो जाएगा आपका फाइनल आर वन माइनस आर टू, डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया। तो अगर हम एफ वन टू का मान निकालते हैं, वेक्टर एफ वन टू का मान, तो फार्मूला अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो बोलता है, कूलम्स के नियम जो बोलता है वो होता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन मॉड ऑफ आर का स्क्वायर इंटू 11th में आपने पढ़ा इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसकी सदिश क्या होगा, इसका सदिश ये हुआ एफ वन टू का, इसका सदिश यही तो हुआ, इसकी सदिश यही तो दर्शा रहा है, ये कोण का डायरेक्शन इधर ही तो है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू वन क्यू टू इंटू आ जाएगा आर वन माइनस आर टू का स्थित पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं, है ना। यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमको आप पोजीशन वेक्टर ए का निकालना है, ए का पोजीशन वेक्टर, तो फार्मूला होता है कि पोजीशन वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है। उसी तरह अगर हमको आर वन माइनस आर टू का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो जाएगा वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर वन माइनस आर टू, क्लियर। तो यहाँ से ये जो मान है पुटअप कर सकते हैं, तो मिला क्या आपको एफ वन टू वेक्टर एफ वन टू इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन मॉड ऑफ आर। एक चीज और ध्यान दो, यहाँ से मॉड ऑफ आर जो होगा वही तो आपका आर टू माइनस आर वन होगा, वही आर वन माइनस आर टू होगा। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कि R1 माइनस R2 का जो मान होगा या R2 माइनस R1 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ R, इतना भी लिख सकते हैं। तो इस मॉड ऑफ R के स्थान पे हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू, इसका आगे फार्मूला ये क्या स्थित वेक्टर का R1 माइनस R2 बटा R1 माइनस R2 का मॉड, या इसको दैट्स भी रिटेन है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू का मॉड क्यू हो जाएगा, स्क्वायर इंटू ए का पूरा हो गया क्यू हो गया इंटू आर वन माइनस आर टू, क्लियर। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में कूलम्स का नियम। अब बात आती है सर, आपने तो प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फार्मूला कूलम्स का होता है एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बटा स्क्वायर टी, यहाँ तो आपने क्यूब लिखा, क्यों लिखा या यहाँ क्यूब लिखा, यहाँ भी तो हमने आर वन माइनस आर टू लिखा, मत कट जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ से हम इस पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल फाइंड की, अगर हम कहें कि इस आवेश के कारण इस पर कितना बल कार्य कर रहा है उसका मान कितना होगा, अर्थात एफ टू वन का मान हमको फाइंड करना होगा, तो उसी तरीके से एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बटा मॉड ऑफ आर स्क्वायर इंटू स्थित वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, इसका स्थित वेक्टर पोजिशन वेक्टर आर टू माइनस आर वन। तो यहां से हम लिखेंगे आर टू माइनस आर वन का स्थित वेक्टर, क्लियर। बात आ रही समझ में, यहाँ से हो जाएगा वेक्टर एफ टू वन इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटा मॉड ऑफ आर के स्थान पे, भैया ये देखिए दोनों इक्वल है, हम यहाँ से लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन इंटू इसका, इस फार्मूले से क्या हो जाएगा आर टू माइनस आर वन का जो वेक्टर होगा वेक्टर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर टू माइनस आर वन। तो दैट्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बटा मॉड ऑफ आर टू माइनस आर वन का होल क्यूब इंटू आर टू माइनस आर वन। इसपे चर्चा किया गया, जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो स्पेस हो, स्पेस मीन्स निर्वात हो, कोई परावर्तक न रखा गया हो, ठीक। दोबारा समझ लेते हैं कि
कूलम्ब के नियम का सदिश रूप क्या है? मान लीजिए दो आवेश है जिसके बीच की जो डिस्टेंस है मड़ा पार लिया गया, इसके सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r2 - r1 और इस आवेश के कारण इसका जो पोजीशन वेक्टर हुआ r1 - r2 हुआ। इस आवेश पर इस दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल F हो गया और इस आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि समान आवेश है, किस दिशा में रिपेल करेंगे और उनके सेंटर को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अंदेश। तो अगर यहाँ से हम F2 का मान निकालते हैं तो बाई जो कैडा बोलता है कि 1/4π/2 × r² / distance हमने माडा पा लिया तो माडा पोजीशन वेक्टर जो होता है वो लिखा जाता है। इस सदिश लिखना न सिर्फ यहाँ से इस सदिश का मान फार्मूला जैसे वेक्टर ही का इस सदिश निकालना है तो होता है वेक्टर ए अपान माड़ा वेक्टर है, तो इसका हमको निकालना है तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा वेक्टर r² - r2 अपान माड़ा वेक्टर r² - r2। मान को हमने पुट अप किया मल्टीप्लाई हो गया उनकी हुए इसी तरह F2 का भी मान निकाला। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना।